ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हजारीबाग के मांडू से बीजेपी के प्रत्याशी जेपी पटेल ने नामांकन दाखिल किया और अपनी जीत का दावा किया। उनसे बात की कशिश न्यूज संवाददाता सोहन सिंह ने। बीजेपी के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल हमारे साथ हैं, आज इन्होंने नामांकन किया है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं पटेल जी? तरह आश्वस्त हूँ। सरकारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आज हम नामांकन किए। अगर सीधा सीधी अगर जनता के हाथ से रिजल्ट लेना रहता तो रिजल्ट आज मुझे मिल गया रहता। निश्चित रूप से मांडू की जनता जिस तरह से दो बार से मुझ पर भरोसा जताई, अगला बार भी मुझ पर भरोसा। मुद्दा क्या रहेगा इस बार, किस किन किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? निश्चित रूप से हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए चाह रहे हैं जो बहुत सा चीज अधूरा रह गया। अब ये मत बोलेगा कि स्पेशल और मुख्य क्षेत्र में हम निरंतर घूर रहे हैं। बहुत सारी समस्या हमारे बीच आ रहे हैं। अभी भी कुछ समस्या है, कुछ चीजें हैं जो मेरे द्वारा नहीं हो पाया, उसको पूरा करेंगे। भाई भी आपके खड़ा है आपके विरोध में। अरे लोकतंत्र में भाई लड़ रहे हैं या फिर भाभी आके लड़ती, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। जय प्रकाश भाई पटेल, टेकलाल बाबू के आशीर्वाद से, मेरी माता लाखेश्वरी देवी के आशीर्वाद से और मांडू के जनता के आशीर्वाद से दो बार से चुनाव जीतते आया है और तीसरा बार भी चुनाव जीतकर हम लोग हैट्रिक बनाएंगे। तो ये थे बीजेपी प्रत्याशी और कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनकी बार जीत निश्चित है और जनता इन पर ही भरोसा।